स्पोर्ट्स पंजाबी देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ कुवरजोत सिंह। जिवें कि किसान संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान सीगा भी 15 तरीक नूं पंजाब दे जिन्ने भी मोर्चे ने वो चक ले जाणगे, पर जदों टोल प्लाजा खुलन लगते हैं तो उन्होंने जो कह सकते हैं भी बोर्ड देखने लग जाते हैं। बोर्ड के लिखा होंगे भी पुराने रेटा तो वधा के टोल प्लाजा ते रेट लगा दिए गए सन, कई पासे तो 40-40 रुपए का भी फर्क पै गया। उस तो बाद किसानां ने जो कह सकते हैं एक फैसला लिता, उन्होंने कहा भी असी टोल प्लाजा ते उदों तक मोर्चे नहीं चकांगे जदों तक ये रेट पुराने वाले नहीं दोबारा तो शुरू करते। पुराने वाले रेट ही लोगों को लगन क्योंकि लोगों नाल लुट होने लगी है। लाडोवाल टोल प्लाजा दीआं इस समय तुसीं स्क्रीन ते तस्वीर देख रहे हो भी किस तरीके नाल उत्थे चक्का जाम भी किया गया, क्योंकि एक बार उत्थे टोल प्लाजा चालू हो लगा सी, टोल प्लाजा शुरू होने लगा सी। पहले तो गल है तुहानू वी तस्वीर दिखाई सन भी किस तरह उत्थे इंपलॉयज आ गए सी, सारा कुछ उत्थे सैटअप लग गया सी, कंपनी भी उत्थे आ चुकी हुई सी। कंपनी भी जरूर किया गया सी, जिहड़ी पिछली वारी कंपनी सी उह इस वारी हुण बदल गई हुई सी, कंपनी किसी होर नूं ठेका दे दिता गया सी। अते रेट भी तुहानू दस्से सीगे जिहड़े रेट भी वध गए सन, 5 रुपए तो लैके 15 रुपए तक उत्थे रेटां दा वाधा होया सी। अते गल करिए लाडोवाल टोल प्लाजा पंजाब दा सब तो वड्डा टोल प्लाजा है, जे एक दिन दी गल करिए प्रॉफिट की गल करिए घट्टो घट 20 लाख का प्रॉफिट लाडोवाल टोल प्लाजा से होंदा सी, सिर्फ लाडोवाल टोल प्लाजा से ही प्रॉफिट होंदा सी। कलैक्शन की तो गल छड्ड ही दो, क्योंकि कलैक्शन की गल करिए रोज़ाना 40,000 गड्डियां लाडोवाल टोल प्लाजा तो निकल दियां सन। सो कह सकते कलैक्शन भी सब तो वड्डी इत्थों ही की जाती सी, पर हुण गल है वे चक्का जाम किसानां ने कर दिता। चक्का जाम करन दा कारण यह सीगा भी जिहड़े उत्थे इंपलॉय सी जां जिहड़े उत्थे कंपनीज दे इंपलॉय सी उह खोलण दी कोशिश कर रहे सन, लाडोवाल टोल प्लाजा खोलण की कोशिश कर रहे सन। उस तो बाद किसानां ने उत्थे मोर्चा लगाया, किसानां ने उन्हां खिलाफ कह सकते हैं भी धरना प्रदर्शन किया। देख सकते हो इस समय स्क्रीन पर तस्वीर भी जरूर किसानों ने यह भी गल कही है भी असी पक्का मोर्चा एक बार फिर इतने ला लिया, जरूर जिहड़ा असी चक्का जाम किया वो जल्दी ही असी खोल देंगे, चक्का जाम जल्दी ही खोल देंगे, पर लोगों नाल धक्का किया जा रहा। हुण तुहानू रेट की गल दसीए तो नवे रेट तुहानू दस दिए लाडोवाल टोल प्लाजा के जिहड़े जाण आण दे रेट है वो सीधा ही 200 कर दिए गए हैं, 135 जिहड़ा वन साइड पहला 130 रुपए से 135 कर दिया गया, डबल साइडेड जो एक कार 185 200 रुपए कर दिया गया। सो सीधा 15 रुपए का फर्क पै गया, एक गड्डी तो 15 रुपए का फर्क, दस्सिया भी 40,000 रोजाना गड्डिया उतों निकल दिया। सो देख सकते हो भी कितनी वड्डी कलैक्शन उतों होने वाली सी। अगों उन्होंने भी स्पष्टीकरण दिता, जिहड़े उत्थे कंपनी वाले मौजूद सन उन्होंने भी स्पष्टीकरण दिता, उन्होंने भी कहना है भी असी महंगाई दर के हिसाब न ही कलैक्शन करते हैं। पिछले साल तो होंदे टाइम की गल करिए महंगाई दर भी बहुत ज़्यादा वध गया, तो इस करके साडे भी रेट ने जिहड़े वो वधे ने, क्योंकि इंपलॉयज नूं सैलरीज असी भी देनी आ, ते घाटा जो है लाडोवाल टोल प्लाजा नूं उन्होंने कहा भी बड़ा वड्डा घाटा भी पिया सी, क्योंकि एक साल तो ज़्यादा समय यह बंद रहा सी। हुण गल है वै उत्थे चक्का जाम हो गया है, तो हरमीत सिंह कादिया ने भी एक गल कह दी है क्योंकि उन्हां दी जथेबंदी वालों यह बंद किया गया सी, उन्होंने वड्डा बयान दिता सी भी जदों तक पुराने रेट नहीं वापस तो ले जाते उदों तक यह बंद ही रहेगा, पर हुण खिचोतान चल रही है। तो पंजाब दे कई टोल प्लाजा धक्के नाल भी जरूर कह सकते हैं शुरू भी किए गए हैं, पर किसानों ने उत्थे भी मोर्चा लगाया होया। जिन्नी चिर अगला हुक्म नहीं रोड तो मतलब अभी छेती खोल रहे हैं, पर असी अपना हुक्म जिन्ना चिर जथेबंदियां दा सानू वो हुक्म कर रही है भी कितने खोलने हैं असी उदन खोलेंगे। असी प्रशासन को बेनती करते हैं इन्हां नूं नत्थ पाओ लटेरियां नूं जिहड़े लोगों दी जेबां डाके मारिया, नहीं तो लोगों नत्थ पाउणी आउंदी आ। लोगों का सबर ना तोड़ो, तुसीं लोगों का सबर ना देखो, तुसीं लोग सबर सिदक नाल लड़ाई लड़नी चाहते हैं। असीं आउण वाले दिनां दे विच इह वड्डियां लड़ाइयां लड़न जा रहे हैं, क्योंकि असीं हले साडे पिंडां दे विच फंक्शन चलदे आ, असीं मतलब तैयारी कर रहे हैं। चन्नी ने पहला 17 तरीक नूं 32 किसान जथेबंदियां नूं मीटिंग दित्ती जिदण असीं दिल्ली तों चले आ, पर बेईमान ने हुण 20 तरीक की मीटिंग करती। असी फैसला करता कि तेरी मर्जी नहीं चलेगी, जो मर्जी तू मीटिंग दे दे, जो मर्जी कैंसल कर दे, जथेबंदियां दी मर्जी चलू हुण। रोड अज जाम क्यों कीती? जाम इस करके कीता असी थोड़े चिर ले कीता क्योंकि प्रशासन नाल गल कर ली, मतलब ताकि ए जो टोल प्लाजे लाए आ
ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚੱਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉੱਥੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਥੀ ਦੌੜੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਂਟ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੜਿਆਂ ਮੈਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹ ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ।